मरणोपरांत कृति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी कृति सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी कर दी। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। महिला आयोग की ने टिप्पणी करने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को लिखे पत्र में विशेष कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 शामिल है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि इन अपराधों के लिए पहली बार के अपराधियों को 3 साल तक की जेल और जुर्माना, दोबारा अपराध करने वालों को और कठोर दंड का प्रावधान है। देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को उनकी वीरता और शहादत के लिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। शहीद की मां मंजू सिंह और पत्नी स्मृति सिंह ने यह पुरस्कार लिया था। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में गमगीन नजर आ रही स्मृति ने अपने पति को याद करते हुए बताया कि कैप्टन अंशुमान और उनके बीच पहली नजर में प्यार हुआ था और फिर 8 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने शादी की थी। स्मृति सिंह ने कहा था कि बिताए हुए प्यार के पलों को याद करते हुए कहा कि हम इंजीनियरिंग के कॉलेज के पहले दिन मिले थे। एक तरह से यह पहली नजर का प्यार था। 1 महीने बाद अंशुमन का सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। वह बहुत मेधावी थे। सिर्फ 1 महीने की मुलाकात के बाद हम 8 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। उन्होंने कहा कि फिर हमने शादी करने का फैसला किया, लेकिन विवाह के 2 महीने बाद ही उनकी तैनाती सियाचिन में हो गई। मैंने अंशुमन से 18 जुलाई को बहुत देर तक फोन पर बातचीत की थी। इसमें हमने अगले 50 साल की योजना बनाया था, अपना एक घर बनाने का, बच्चों को जन्म देने का और भी बहुत सारी बातें की थी। लेकिन अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मुझे फोन आया कि अब वह नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आज तक इस गम से मैं उबर नहीं पाई हूँ।